प्रमुख सचिव सुरेश चंद्रा और जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। प्रमुख सचिव के आने से जिला अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। साथ ही जिला अस्पताल के सफाई एवं अस्पताल में भर्ती मरीज सेवन के हालचाल पता किए। इतना ही नहीं, अस्पताल के वार्डों को प्रमुख सचिव एवं जिलाधिकारी द्वारा बड़ी बारीकी से चेक किया गया और डॉक्टरों को मरीज की सही तरह से देखरेख के निर्देश भी दिए गए। जो हमारे सरकारी प्रोग्राम्स हैं तो मौके पर किस तरीके से संचालित हो रहे हैं उसकी फर्स्ट टाइम जानकारी हासिल करने के लिए आए। अभी हमने आपके सामने हॉस्पिटल देखा, महिला चिकित्सालय क्षेत्र में हॉस्पिटल बिल्डिंग ठीक है, छोटी मोटी कमी है, साफ सफाई को निर्देश दे देंगे। डॉक्टरों के यहाँ एक्यूट शॉर्ट है, महिला क्लास में 11 डॉक्टर्स होने चाहिए, उसमें हमारे पास में जो सीजरिंग ऑपरेशन है करने के लिए मात्र एक डॉक्टर की संविदा की है। हमारी कोशिश हो, मैं शासन बात करूँगा या रखूँगा मेडिकल डिपार्टमेंट के सामने डॉक्टरों की जो बहुत कमी है, एक्यूट शॉर्टेज है, उसको कम करना एक किया जाए। कोई बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं उनकी हमने प्रोग्रेस रिव्यू की है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें शिक्षा विभाग की लगी और वहाँ DIOs जो हैं बिना किसी सूचना के पिछले कई दिनों से नहीं है, उनके खिलाफ़ कार्रवाई के लिए हम लिख रहे हैं, कार्रवाई होगी। अस्पताल में लंबे समय से डॉक्टर्स की भर्ती, अब देखिए डॉक्टर्स कमी पूरे प्रदेश में है, 18,000 डॉक्टर होना चाहिए हमारे पास, उसकी जगह पर करीब 11,000 के आसपास हैं। तो डॉक्टर्स तो पब्लिक सर्विस कमीशन से ही अपॉइंटमेंट होकर मिलते हैं, वो प्रयास शासन स्तर पर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ की कमी को दूर करने के लिए हम वहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट से वार्ता करेंगे, उनको लेकर के भेजेंगे कुछ समस्या का निदान हो सकता। और रही बात ये डायरिया वार्ड की, अभी मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, डायरिया ब्रेकआउट है तो उसको किस तरीके से। ठीक है।